हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक साइट पर आया हुआ हूं और इस साइट पर अभी जैसा आप देख रहे हैं कि स्लैब का रिइंफोर्समेंट का काम चल रहा है। अभी आपको स्लैब में यहां पर क्या मेन चीज़ है वो चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं इस लोकेशन के बारे में, जो कि पर्टिकुलर ये जो साइट है, ये साइट मुझे पसंद आती है पर्टिकुलर इसके लोकेशन के लिए। तो आप लोकेशन देख सकते हैं, बारिश के टाइम में इस सोसाइटी का जो व्यू है ना, काफ़ी हटकर ही एक लुक आता है। यहाँ पर जो यहाँ पर रह रहे हैं वही बता पाएंगे, ये इंदौर में एक साइट है, ठीक है। और लोकेशन एग्जैक्ट मैं बताऊंगा किसी वीडियो में, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देखकर अगर गेस कर सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इस साइट पे जो काम चल रहा है उसके बारे में। अभी मैं इस साइट के बारे में बताऊँ तो ग्राउंड फ्लोर का स्टील का बाइंडिंग का काम चल रहा है। अब इसमें आप देख रहे होंगे जो स्पान है, स्पान की जो लेंथ है वो काफ़ी, जनरली जो स्पान होते हैं उससे काफ़ी बड़े हैं। अगर मैं ये जो आप देख रहे हैं ये कैंटिलीवर स्लैब हम बाहर निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर उस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, ठीक है। और इसका मैं जो कैंटिलीवर का अगर लेंथ बताऊं मैं, तो वो 2300 mm का है, ठीक है। ये पूरा कैंटिलीवर है। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको कॉलम से सपोर्ट दें, लेकिन वो डिज़ाइन के ऊपर आएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल हम इसको 2300 mm बाहर निकाल रहे हैं। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो आप लोग को दिख रहा होगा, ये ब्रिज बोल लो या वॉकवे बोल लो, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पर शटरिंग नहीं हुई है, ये जो है ये डबल हाइटेड है, ठीक है। और ये वाला जो बीम है, इस बीम का जो स्पान में अगर मैं बताऊं आपको, तो ये जो बीम का स्पान है ये 35 फीट है, अप्रोक्स 10.5 मीटर के आसपास, ठीक है। अब आप लोग गेस करके बताइए कि इसमें जो स्टील होगा वो कितना होगा। ये वाला जो बीम है ये 400x700 mm का है, और ये जो बीच में आप जो वॉकवे वाला जो मैं बता रहा था, इसका जो साइज़ है वो 300x700 mm का है। तो ये जो वॉकवे वाला बीम है ये किस पे रेस्ट कर रहा है, ये इस पे रेस्ट कर रहा है, और वो आगे एक और बीम है उस पे रेस्ट कर रहा है, और बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो ये पर्टिकुलर इस तरफ से उस तरफ जाने का एक रास्ता है, जैसा आप लोग को अभी दिख रहा होगा, और ये स्टेयर है, ठीक है। और इसका फ्रंट एलिवेशन मैं आपको बताऊँ तो फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन अलग ही है, वो आपको मैं धीरे धीरे, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, तो धीरे धीरे मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बताऊंगा इसका एलिवेशन कैसा है, ठीक है। अभी तो फिलहाल आप गेस करिए कि इसमें कितने mm के स्टील होंगे और कितने नॉज होंगे टॉप में और बॉटम में। आप लोग एक झलक अगर वीडियो में दिख गया हो तो अच्छी बात है, फिर भी आप गेस करिए कि पर्टिकुलर क्या डाया का यहाँ पर हमने रिइंफोर्समेंट यूज़ किया होगा अभी। और जो मैं इस साइड की बात करूँ, जैसा पूल आना है, बाकी बहुत सारी भी प्लानिंग है, लैंडस्केपिंग का पूरा काम बचा हुआ है, तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। अभी हम ओवरऑल बात करते हैं स्लैब का। ये जो रिंग का जो हुक है, पर्टिकुलर एज पर ड्राइंग है, ठीक है। आप देखना, जनरली लोग ऐसा करते नहीं है, बैंड देते नहीं है, हमने यहाँ पर बैंड दिया हुआ है, ठीक है। और जो हुक की लेंथ है वो भी मिनिमम जो 3 इंच होती है, 3 इंच या 75 mm उतनी है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे और वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस साइट से रिलेटेड, और भी जितने मेरे वीडियो आ रहे हैं सब साइट का पर्टिकुलर जब भी विजिट होगा तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, अगर टाइम मिला तो। अभी जैसे बारिश होने लग गई है, आपका जो माउंटेन का व्यू है वो अलग आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बाकी आप ये सब बीम देख सकते हैं। अभी साइट के बारे में आपको बताऊं तो मेन रिइंफोर्समेंट जितने भी थे वो बन चुके हैं, कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा स्टील अभी देना है और कहीं पर दे चुके हैं, वो सब चीज़ अभी आगे धीरे धीरे साइट पर कंप्लीट होती जाएंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो से, इस साइट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड या जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो है उससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।